पहला टॉपिक है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो इसका तीन कारण है। पहला कारण है नैरो यूटिलाइजेशन, पहला है नैरो यूटिलाइजेशन, नैरो यूटिलाइजेशन, दूसरा है ब्रॉड यूटिलाइजेशन, तीसरा है इथिकल इश्यूज। तीन कारण से जो है हमको करना है। तीन के लिए हमको करना है न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन नेचर डायरेक्ट हमें प्रोवाइड करता है, नेचर हमको डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, वो न्यूट्रलाइजेशन है। ब्रॉड यूटिलाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम जो हमें प्रोवाइड करती है, इकोसिस्टम सर्विसेज हमें जो प्रोवाइड करती है। इथिकल इश्यूज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता, सुनो जी, नैतिकता के आधार पर जो हमारे बीच में रह रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमको प्लीजर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कंजर्व करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक तो डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, भोजन, कपड़ा, इकोनॉमिक वैल्यू के टिम्बर्स, ऑर्नामेंटल चीज़ें, ड्रग्स, ये डाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो नैरो यूटिलाइजेशन में आ गया। ब्रॉड यूटिलाइजेशन इकोसिस्टम जो हमें प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, हवा, बोलिए ना, इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है ना, एयर प्रोवाइड करता है, लीजिए, सांस लीजिए, जिंदा रहिए, बोलिए ना। डिफरेंट टाइप के प्लांट पॉलिनेटर्स हैं। डिफरेंट टाइप क्या हैं? प्लांट पॉलिनेटर्स, बीज है, बम्बल्स बीज है, वैस्प हैं, बीज, बम्बल बीज, बैट्स, चमगादड़, मधुमक्खी और बटरफ्लाइज हैं डिफरेंट टाइप की। ये सब प्लांट पॉलिनेटर्स हैं, प्लांट को पॉलिनेट करती हैं वो, समझ रहे हैं ना। अमेजन रेन फॉरेस्ट आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन आपको देता है। प्लांट पाइनेशन करते हैं तो फूड मिलता है आपको, फ्रूट मिलता है, सीड मिलता है, बात समझ रहे हैं ना। अब आपको हम दिखा रहे हैं, एक की बात हो रही है, अभी एक एक को हम लेकर चल रहे हैं, तीनों को बताएं कंफ्यूज हो जाओगे। ये को इधर देखिए, ये तो डाइट प्रोवाइड कर रहा है, इधर देखो, ये डाइट प्रोवाइड कर रहा है, ये इकोलॉजिकल इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है, बात समझे। ये पहले, सबसे पहला आप देखोगे नैरो यूटिलाइजेशन इरेज कर दे रहे हैं, पहले सबसे पहले नैरो यूटिलाइजेशन देखेंगे। नैरो यूटिलाइजेशन नैरो यूटिलाइजेशन
नेचर डायरेक्टली प्रोवाइड different things which are used by nation of the world, different nation of the world. Of the world, example, timber, food, food में cereals, legumes. Fruits, etc. Tannins, resin, perfume. टेनिंस रेजिन है, परफ्यूम्स हैं, टेनिंस रेजिन्स परफ्यूम एक और कोई है, टेनिंस हो गया, रेजिन्स हो गया, परफ्यूम हो गया, लिग्निन भी है, ईटीसी, ये सब चीज़ें हैं. हो गया, ये सब प्लांट प्रोवाइड करता है आपको. इसके अलावा फायरवुड्स, ड्रग्स, इधर देखो, ए लड़को काम ये में कर रहा है, ड्रग्स. हाँ, टैनिंस जो है एक पदार्थ होता है जिससे, जिसे रेजिन होता है. हाँ सर, रेजिन है टैनिंस. टैनिंस एक प्लांट का प्रोडक्ट होता है जिसका, बोलिए, टैनिंस होता है वो प्लांट प्रोडक्ट है जिसका उपयोग किया जाता है. टैनिंस का उपयोग किया जाता है डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज़ में, समझ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के किस में, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. वहाँ पर जैसे आप ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर क्या हो, ताकि इधर देखिए, टैनिंस का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहाँ से प्रोडक्टिविटी होती है डिफरेंट टाइप के पेंट्स वगैरह की, समझ रहे हैं ना, और भी कुछ पदार्थ होते हैं उसके लिए. रेजिन है, परफ्यूम्स है, एक और यहीं पर लिख लीजिए, डाइज भी, रंग भी इसी से उत्पन्न होता है और डाइज भी होता है. डाइज मतलब आप जानते हैं महावर, रंग. इधर देखो, सुनो, टैनिंस, रेजिन्स, परफ्यूम्स, डाइज, चार चीज़ें पूछेगा आपसे, बता दीजिएगा. फायरवुड के लिए ड्रग्स, अबाउट 25% ड्रग्स विच आर
मैन्युफैक्चर्ड बाई वर्ल्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? प्लांट्स उत्पन्न होता है, ड्रग्स। नहीं मिला क्या आपको? ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। तो मैंने कहा न्यूट्रलाइजेशन नेचर डायरेक्टली प्रोवाइड डिफरेंट थिंग्स विच आर यूज बाय डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। टिम्बर्स है, फूड है, टैनिंस है, रेजिन्स है, परफ्यूम्स है, डाइज है, फायरवुड्स है, ड्रग्स हैं। ड्रग्स में आप जानते हैं लगभग 25% ड्रग्स जो ऑब्टेन किया जाता है वो किससे उत्पन्न किया जाता है? प्लांट से। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब किसके विषय में बातें आ गई? न्यूट्रलाइजेशन। किसमें? न्यूट्रलाइजेशन। इरेज कर दे। हाँ भैया, बाकी आप ट्रेंड क्या है? डिफरेंट टाइप केमिकल सबस्टेंस से, समझ रहे हैं ना? नहीं तो इनडायरेक्ट में छोड़ दीजिए, बायोटेक्नोलॉजी से यूज किया जाता है, समझ रहे हैं ना? बैक्टीरिया से उत्पन्न किया जाता है बहुत सारी दवाएं, फंजाई से यूज किया जाता है बहुत सारी दवाएं, समझ रहे हैं ना? केमिकल्स पदार्थ सब प्लांट से नहीं आ सकते, नहीं कोई गारंटी नहीं। इधर देखो, सारे केमिकल्स प्लांट से नहीं आते, कुछ केमिकल्स वैसे ओरिजिनल ही होता है। अब आगे देखिए आप, एक होता है ब्रॉड यूटिलाइजेशन, दूसरा है ब्रॉड those things which are equal ecosystem services. इकोसिस्टम सर्विसेज एग्जाम्पल, अमेजन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका produces ट्वेंटी परसेंट O2 of the world, hence called as लंग ऑफ द प्लैनेट्स। इसको हम प्लैनेट्स का क्या बोलते हैं? लंग बोलते हैं। अमेजन छोटे से दिखते हैं इसको, अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ, हो गया पहली बात। दूसरी बात, प्लांट पॉलिनेटर्स। अभी पिटबो करें तुम लोग, आवाज आई तो। प्लांट कहा साहब?
कहा बोले 20% है, 20 का 20% है ना, 30 का भी 20% उसका 20% है ना, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन की बात हो रही है। हां ऑक्सीजन बात ऑक्सीजन में जो 21% उसका 20% नहीं, यहाँ पे 100% मान के चलते हैं। हाँ पूरे वर्ल्ड का जो पूरा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है 100% उसमें कैसे होता है पूरे वर्ल्ड में, तो 100% मान के चलते हैं तो 100 का 20%। हाँ पूरे वर्ल्ड का 100% में 20%। अपना दिमाग ज़्यादा मत लगा गड़बड़ा जी वो फट से। प्लांट पॉलिनेटर्स, ए सुनो जी, ये पूरे 100% के निकालेंगे। प्लांट पॉलिनेटर्स बीज, बम्बल बीज, बम्बल बीज, बैट्स बुक में दिया होगा सब, नहीं मिला? बीज, बम्बल बीज, बैट्स, और एक होगा चौथा भी, बर्ड्स, पचमा भी होता है लेकिन आप कुछ लिखा, लेकिन फिर भी हम लिख देंगे बटरफ्लाइज, फ्लाइज, ईटीसी। ये क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्लांट प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। तो मैंने कहा जो प्लांट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, O2 ऑक्सीजन। प्लांट पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, बोलिए ना। और क्या करते हैं, प्लांट प्रिवेंट करता है क्या, सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन को भी प्लांट क्या करता है, प्रिवेंट करता है, पोल्यूटेंट को भी कम करता है, पोल्यूशन को भी कम करता है। लेकिन ये सब बातें बुक में नहीं दी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो सब बातें आपको बताने कोई जरूरत में नहीं समझता, उसको पढ़ते रहिएगा। तो मैंने कहा ब्रॉड यूटिलाइजेशन दोज थिंग्स विच आर प्रोवाइड बाई इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम अपने सर्विस के द्वारा प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है आपको, पूरे विश्व का अकेले ऑक्सीजन 20% प्रोवाइड करता है अमेजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है। क्या करता है, 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पूरे विश्व का, ब्रॉड सबको यूज, सब यूज़ कर रहे हैं। प्लांट पॉलिनेटर्स हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, हर जगह प्लांट पॉलिनेटर्स पाए जाएंगे, हर जगह प्लांट को पॉलिनेटर्स करेंगे, प्लांट क्या करेंगे, पॉलिनेट्स करेंगे, तो फ़ायदा मिलेगा। उसमें बीज है, बम्बल बीज है, बैट्स हैं, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज और फ्लाइज हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को भी नष्ट करता है, मतलब कम करता है। मृदा अपरदन, ऊपर वाली लेयर जो फर्टाइल लेयर होती है उसको इरोज होने से कम करता है प्लांट का, बाढ़ को भी रोकता है, फ्लड को भी रोकने का प्रयास करता है। ये रेनफॉल के लिए जिम्मेदार होता है, जहाँ प्लांट ज़्यादा होगा वहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, ज़्यादा होती है। पोल्यूशन को भी कम करता है। ये सब तो सिंपल बातें हैं जो इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है।
बोलिए ना। अब इसके बाद इथिकल आर्गुमेंट्स हैं, इरेज कर दें। एक टर्म आया होगा वहाँ एक्सप्लोरिंग, एक टर्म कहीं पाया हुआ है एक्सप्लोरिंग, कहीं पर आया होगा? नहीं मिलेगा लोग के। नहीं मिला जाए तो, लेकिन फिर भी हम बता देंगे आपको। अब देखो हाउ सर, इथिकल तीसरा है इसका, तीसरा इथिकल आर्गुमेंट। नैतिक तर्क ये आपकी जिम्मेदारी बनती हैं। दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, वे प्लांट और एनिमल्स, विच लिव एमंग अस, एमंगस जो हमारे बीच में रह रहे हैं, प्रोवाइड प्लीजर, प्रोवाइड प्लीजर, हमको खुशी प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर देखो ये लड़के, बुलबुल का सांग है, बुलबुल का सांग, शेर का दहाड़, शेर को देखने के बाद, चिड़िया को देखने के बाद, तोता जानते हैं, पैरट को देखने के बाद, देहाती भाषा में सुग्गा कहते हैं, सुग्गा जानते हैं? यह देखो सुग्गा, ये जो तुरा कपड़ा जो पहने हो, ये जो आप अपना कपड़ा लिए हुए हैं कत्थे कलर का, आप जो ये पहने हुए हैं एकदम वैसे उसका चोंच होता है, उसका बीक। अरे यार तोता नहीं देखे, पैरट उसका चोंच कैसा होता है? कैसे ही होता है, रेड कलर का। वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का। मोर को देखते हैं खुशी होती है नहीं, और शेर सामने आ जाता और खुशी हो जाएगी कि हमको जाना है अब। तो ये सब क्या है जो हमारे बीच में है, प्लांट। अब बताइए प्लांट हमको क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और उसके बाद प्लीजर भी दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, गुड हेल्थ दे रहा है। एनिमल्स ढेर सारे हैं, सांग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोयल बोल रही है, हाँ साउंड सांग कुल, कोयलिया गाती है, कोयलवा गाता है, जैसा कहो वैसा कहो, बोलिए ना। तो वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? प्लीजर, प्रोवाइड प्लीजर, लाइक डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोड्यूसेस साउंड्स। हेल्पफुल फॉर अस,
us. Hence, protection is इसलिए प्रोटेक्शन का बहुत प्रोटेक्शन मस्ट है, आवश्यक है. इथिक्स समझते हैं, नैतिक जिम्मेदारी. हम तुम्हें फल देंगे तो हमें काट डालो, हम तुम्हें एक्शन तुम्हें काट डालो, ये तरीका है सही? जिम्मेदारी आपकी सही है? बोलिए, ये संभावना सही नहीं है. प्रोटेक्शन मैन दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन. इधर देखो, इन सीटू कैसे आप करते हैं, हाउ शुड हाउ डू वी कंजर्व, कैसे हम कंजर्व करेंगे, बायो डाइवर्सिटी. हम कैसे कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, ए लड़को देखो इधर, पढ़ते पढ़ते सोचा करो हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें से. हम कैसे कंजर्व करेंगे, दो ही तरीका है. पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन. दूसरा है एक सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन और एक सीटू कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन इनसाइड द नेचुरल कंडीशन. नेचुरल कंडीशन इसमें कंजर्वेशन ऑफ साइड इन ऑफ साइड बाय आर्टिफिशियल मेथड. इन सीटू कंजर्वेशन तीन एग्जाम्पल बताओ, खड़े हो खड़े हो, इन सीटू को तीन एग्जाम्पल बताओ, आता बताओ, इन सीटू को तीन एग्जाम्पल बताओ. क्या क्या बताते हो, इन सिचुएशन जो कंजर्वेशन है, तीन एग्जाम्पल बता दीजिए बिना किताब में देखे, तब सुनिए. आप सुन भी नहीं रहे हो, बतिया रहे हो, आप अपना डिस्टर्ब दूसरे को भी डिस्टर्ब करे. आगे आ जाओ, आगे आओ, बीच बीच में गैप भी मारते रहोगे, गैप भी रहोगे. आगे आओ, एकदम आगे आओ, हाँ यहीं बैठो. अब कल से तो पीछे बैठे हो ना कोई साथ,
तू हमारे साथ रहो खाली बस। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था इन सीटू कंजर्वेशन। देखो इधर, इन सिचुएशन कंजर्वेशन, जिस कंडीशन में प्लांट एनिमल्स हैं उसी कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट कर देना। जैसे जंगल में प्लांट एनिमल जिस कंडीशन में हैं उसी कंडीशन में उसको क्या कर देना, प्रोटेक्ट कर देना। वो हो गया इन सीटू कंजर्वेशन। क्या हो गया? इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम, जहाँ पे वन हार्न राइनोसिरास है, वन हार्न राइनोसिरास के लिए फेमस है वो। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सबसे पहला नेशनल पार्क हमारे इंडिया का है। हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जो पहले उत्तर प्रदेश में था आज उत्तराखंड में है। दूसरा नेशनल पार्क जो इंडिया में है वह है दुधवा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। नाम पूछ देगा ऐसे कहेंगे सर जी आप तो इसमें बुक में था आपको पढ़ाया ही नहीं कुछ बुक। और इसके पास केवलाडो नेशनल पार्क का भरतपुर सेंचुरी राजस्थान, केवलाडो नेशनल पार्क भरतपुर सेंचुरी, पक्षी विहार है वहाँ पे। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, जहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क, वह केवल एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध, लायन के लिए, लायन में बबर शेर, समझ रहे हैं ना, गब्बर शेर नहीं बबर शेर में बोल रहा हूँ, जिसके पास ये सब बाल होते अगल बगल ये वाला, समझ रहे हैं। लायन टाइगर एक होता है एक लायन होता है, इसको जानते रहिएगा। अगर आप इधर देखे नेचुरल कंडीशन में कंजर्व करते हैं, नेचुरल कंडीशन में तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन हो गया। अगर आर्टिफिशियली बना करके जहाँ पे प्लांट एनिमल्स नहीं प्रोटेक्ट हैं वहाँ पे कहीं दूसरी जगह बना करके आर्टिफिशियल ऐसा कंडीशन बना कर वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, इक्स सी टू कंजर्वेशन। इक्स मतलब बाहर, सिचुएशन से बाहर। जैसे वाराणसी में सारनाथ है, बना दिया गया जू छोटा सा मिनी जू, वहाँ पे पार्क ओपिन्स वगैरह क्रोकोडाइल वगैरह को रख दिए हैं थोड़ा सा, और कुछ चिड़िया उड़िया को रख दिए, कितने लड़के देखे, दो भीड़ जुटी रहती है वहाँ जू देखने की भीड़ जुटी रहती है, रोज जाते हैं देखने के लिए सब। और जू लखनऊ में चले जाइए वहाँ पे जू मिलेगा आपको, वहाँ पे शेर चीता कुल रखे रहते हैं, लोग देखो शेर देखो चीता देखो हाइना देखो, तो है ऐसा कुछ। तो वो एक सी टू कंजर्वेशन है। तो इन सी टू कंजर्वेशन सबसे पहले देखिए आप, मैंने लिखा कंजर्वेशन इनसाइड द नेचुरल कंडीशन। एग्जांपल इसका है, इसमें क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल कंडीशन। चौदह नब्बे चार सौ अड़तालीस, चौदह नब्बे चार सौ अड़तालीस याद कर रहे हो, चौदह नब्बे चार सौ अड़तालीस। चौदह क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व पहला है, दूसरा है नेशनल पार्क, ये नब्बे हो गया, ये चौदह हो गया, चार सौ अड़तालीस सेंचुरी है, याद कर लो सब जो पढ़ा रहे हैं, जैसे सेंचुरीज हैं।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, समझ गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 14, नेशनल पार्क है 90, सेंचुरी है 448, ये इन सीटो कंजर्वेशन में है। मिला? इंडेमिज में भी, यहाँ इंडेमिज में क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है इंडेमिज का, नेटिव प्लेस, नेटिव इंडिविजुअल का। कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 14। हो गया। इंडिया में क्या बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 7, 5, 6, 7। इंडिया का ही है। तो 14, 90, 400 किसका लिख रहे हैं? तुम सोचने लगे ना, दिमाग लगाने की जरूरत होती वहां पे। हाँ सुनिए, और एक होता है हार्ट स्पॉट। हार्ट स्पॉट जानते हैं? हाँ, नेट नहीं मिलता है, हार्ड स्पॉट। वेयर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट, प्रेजेंट उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड हॉट स्पॉट। उसको क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। वर्ल्ड में कितने हॉट स्पॉट हैं आप बताइए? वर्ल्ड में कितने हॉट स्पॉट हैं? वर्ल्ड कंटेन 34, 34,000 हॉट स्पॉट। बुक में नहीं दिया 34 ठो? दिया है हॉट स्पॉट। पहले कितने थे? इन अर्ली 25 हार्ट स्पॉट पास्ट प्रेजेंट। इस समय जो लिखा रहा वही पढ़ेंगे आप, जिसमें हो जाओ वेयर प्रेजेंट। अब मैं गूगल ऊपर कमांड डाल दो, पहले पढ़ो जिस बता रहे हैं उसे। 9 एडेड, गूगल छोड़ दो अभी। 9 एडेड लेटर, पहले 25 थे, 9 आप बाद में जोड़े गए। 25, 9, 34 हो गया, समझे हो? पहले 25 था, 9 एडेड लेटर, जिसमें से 3 इंडिया में, 3 हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया, 3 हॉट स्पॉट। लो, हार्ड स्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया, पहला है
पहला है, दूसरा है, तीसरा। हाँ क्या अभी होता है अब हमारे छोड़ता है, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी तीन है, तीन ही है। पहला है, पहला कौन है? वेस्टर्न घाट श्रीलंका, वेस्टर्न घाट श्रीलंका दिया है बुक, देखिए वेस्टर्न घाट श्रीलंका। दूसरा इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। तीसरा है हिमालयाज, हिमालयाज। ये तीन है, सुनो, हिमालयाज है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट श्रीलंका। हमारा जुड़ा होता उससे यार, श्रीलंका नहीं पहुंचे, उससे जुड़ा होता है। हमारा सही है, सही है ना कर तो जितना पढ़ा रहे पढ़ते हो ना का काम होने। अब ये एक ही देखो ना, सब चेंज हो जाएगा यार। अबे गूगल पे देखो तो ये देखा, नेशनल पार्क अभी देखोगे तो 104 आएगा, जब देखो डालो बुक में जो इसमें लिखा अभी अभी उससे को जोड़ेंगे, जब जुड़ेगा तो उसमें फिर इंक्लूड करेगा वो। हाउ मेनी नेशनल पार्क इंडिया डालो, देखो अभी 100 के ऊपर जाएगा, 104 105 देगा। जो पढ़ा दे रहे उसको पढ़िए, उस हिसाब से पढ़िए किताब में। सुनो मैं आपको बता रहा था, इसमें इन सीटू कंजर्वेशन में कंजर्वेशन इन देयर सिचुएशन। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो लड़कियाँ है ना, एक छः है ना, यहाँ कितना में लिखे हैं तब सोट कम लिखे ना, यही आपके लिए, यही आपको एग्जाम में मारना पड़ेगा। गूगल के चक्कर में पड़े तो गए, फंस लो तो गई लो, हो गया। सेंचुरी 448 है, इसमें 500 कुछ दे रहा है। हाँ बायोस्फीयर रिजर्व 14, फिर सुनो छोड़ो उसको बातों को। इन सीटो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इनसाइड द नेचुरल कंडीशन, जिस कंडीशन उस कंडीशन में उनको कंजर्व कर दिया जाए। प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल कंडीशन, प्लांट और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल कंडीशन में। अब बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 ठो हैं। नेशनल पार्क कितने हैं, 90 हैं। सेंचुरी कितना है, 448, 14 90 448, 14 90 448, 14 90 448 याद करना पड़ेगा आपको। पहला क्या है, बी, ये देखो पहला है बी, दूसरा है एन, तीसरा है यस, याद करो। बायोस्फीयर रिजर्व पहले नंबर, नेशनल पार्क दूसरे नंबर पे, सेंचुरी तीसरे नंबर पे। फिर देखो हॉट स्पॉट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, समझ रहे हैं ना, और इंडेमिज भी पाया जाता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं, हॉट स्पॉट। अब वर्ल्ड कंटेन 34 हॉट स्पॉट, पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट हैं। इन अर्लियर विश्व में पहले 25 थे, बाद में कितने ऐड किए गए, 9। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितना पहले था कितना ऐड किया गया, तो 25 में 9 जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा। 3 हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया, पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है हिमालयाज। वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, हिमालयाज, याद कर रहे यार के, ठीक है। ये कौन है हॉट स्पॉट है, जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बोलिए कोई परेशानी अभी है आपको इसमें, किसी को? अब
एक सक्रेट ग्रुप होता है। सक्रेट ग्रुप जानते हैं, नाम सुन लीजिए सब, सक्रेट ग्रुप, ग्रुप GROUVE है कि एक है मैं नहीं पता, लेकिन सक्रेट ग्रुप कंफर्म है। सक्रेट ग्रुप जहां पर वनरेटेड, वनरेटेड मतलब होता है आस्था, आस्थेटिक, आस्था का प्लांट और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं सक्रेट ग्रुप। समझ रहे हैं ना? कौन कौन फिर समझ लीजिए, क्या क्या? वनरेटेड, वनरेटेड, वनरेटेड मतलब जो आस्था के प्रतीक हैं, आस्थेटिक, वनरेटेड प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल कंडीशन। इन देयर नेचुरल कंडीशन इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड सक्रेट ग्रुप। लीजिए हम बता दे रहे हैं, अरावली हिल ऑफ राजस्थान, राजस्थान दिया है क्या? दिया होगा जरूर। अरावली हिल ऑफ राजस्थान, दूसरा है चंदा बस्तर सारगुजा, चंदा बस्तर सारगुजा, सारगुजा ऑफ MP मतलब देखो दिया है क्या? नहीं मिला। चंदा बस्तर सारगुजा, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं रखता ना, हम इतना याद करते हैं। तीसरा है महाराष्ट्र में दिया होगा तीन ठो, महाराष्ट्र में कौन कौन देखो तीन ठो दिया है, मेघालय में तो दिया होगा। अरे महाराष्ट्र वो दिया होगा दो ठो नहीं, यहाँ दिया हम जानते हैं, ऊपर शुरुआती दौर में सबसे पहले दिया हुआ है। हाँ खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ, खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ, जयंतिया हिल ऑफ, हिल ऑफ कहाँ गया हुआ है? हाँ मेघालय। खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ मेघालय हो गया। और एक ठो होगा महाराष्ट्र दो को दिया होगा, महाराष्ट्र को दो दिया होगा कन्फर्म है। अरावली हिल ऑफ राजस्थान, चंदा बस्तर सारगुजा ऑफ MP, खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ मेघालय हो गया। महाराष्ट्र का है, कर्नाटका महाराष्ट्र तक फैला हुआ कोई एरिया है? अरे पगलो लोग,
मारेंगे उलट जी। चुप रहो चुप रहो, हम ढूंढ लिए हैं कर्नाटका। क्वेश्चन पूछता है ये जो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता है। तोरे समझ में ये क्या पढ़ना है हमको? एक छोड़ देते हैं लड़के सब, ये सब कौन याद नहीं करते कहाँ है। अरावली हिलाफ राजस्थान, चंदा बस्तर सारगुजा एमपी, खासी जेंटिया हिलाफ मेघालय, वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये चारों बातें याद करना है आपको। और एक बार बता दें आपको यहीं पे, मेघालय क्वेश्चन पूछता है, मेघालय इज लास्ट रेफ्यूजी, सबसे पहले सबसे लास्ट मेघालय बना है। मेघालय इज लास्ट रेफ्यूजी ऑफ इंडिया। सेक्रेट ग्रुप ऑफ इंडिया, वेयर प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, यहाँ प्लांट प्रोटेक्ट किए गए हैं। मेघालय लास्ट रेफ्यूजी की याद कर रहे हो, लास्ट शरणार्थी कौन है मेघालय, जहाँ प्लांट को प्रोटेक्ट किया गया है। मैं आपको इंगित कराता हूँ कहाँ कहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, हो गया? हुआ? ये टर्म अगर आ जाए, वनरेटेड प्लांट एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, इसका मतलब क्या हो गया वो सक्रेट ग्रुप, जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी टर्म आए वहाँ हॉट स्पॉट। और जरा देखो लास्ट रेफ्यूजी कौन है, मेघालय, अरावली हिलाफ राजस्थान, चंदा बस्तर सरगुजा ऑफ एमपी, खासी जेंटिया हिलाफ मेघालय, और वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नदी है महाराष्ट्र कर्नाटका देगा। अब इसके बाद है इक्सीटू कंजर्वेशन, और दूठू सबमिट लिखवा दें, कहानी खत्म। हाँ सुनो दा, देखो नेक्स्ट है, दूसरा है इक्सीटू कंजर्वेशन, बात ना करो जी, इक्सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन इसको बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स आरटी आर्टिफिशियली, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स आर्टिफिशियली, जैसे एग्जांपल है कौन कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी वाइल्ड लाइफ सफारी, जूलॉजिकल पार्क,
जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, जीन बैंक, सीड बैंक, जीन बैंक, सीड बैंक, इटीसी याद कर लिए। वाइल्ड लाइफ सफारी, देखो जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुल पड़ गया जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क पूछ दिया। आप याद रहे, एक को याद करें, नेशनल पार्क को याद कर, जो जूलॉजिकल पार्क को छोड़े रहिएगा। ये जूलॉजिकल पार्क जो है ये आर्टिफिशियल है, नेशनल पार्क आपका नेचुरल है। इसको हम जू भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जू, चिड़ियाघर। बोटेनिकल गार्डन भी है, क्रायो प्रिजर्वेशन मैं बताया हूं, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पर्म, ओवा, एम्ब्रियो एट -196°C इन लिक्विड नाइट्रोजन। पढ़ाएं हम पहले इसको। अगर लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पर्म, ओवा एंड एम्ब्रियो एट -196°C पे हम प्रिजर्व कर लें, उसको बोलते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन में, काफ़ी दिन के लिए वायबल होगा वो, समझ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। जीन बैंक, सीड बैंक में रखा रहता है, जीन और सीड बैंक, सीड जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सफारी जो होता है इसको भी बनाया, इससे जू होता है सफारी में, इसमें गाड़ी उड़ देते हैं लोग, आराम से घूमिए टहलिए देखिए, ताकि आपके साथ प्रोटेस्टर करने वाले रहेंगे। हमारी बात समझ रहे हैं, अब इसके बाद दो ठो सबमिट है, इरेज कर दें। हाँ, स्पर्म, स्पर्म कहाँ से आ गया? अरे शेर मर, एक मिनट इनको समझा दे बताया पहले। मान लो शेर की, सुनो, शेर की प्रजातियां बिलुप्त, पैमाई दरियाँ देखो, अब शेर की प्रजाति मर रही है, खत्म हो रही, एक दो बचे हैं खाली, एक दो। अब शेर जो बचा हुआ शेर है उसका स्पर्म क्या कर लिए, रख लिए। सुनो, ठीक नहीं है अभी, अब कैसे ठीक हो गया ये देखो, नहीं अपने ही जुआड़ में रहेंगे। हाँ सुनो, इसको रख लिया जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा करा करके जो शेरनी है एक बच्ची हुई उसी में सरोगेट मदर की तरह उसमें डालते रहेंगे, बच्चे पैदा होते रहेंगे, ढेर संख्या उनकी बढ़ती जाएगी। तो संख्या जब उनकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उनको फिर प्रोटेक्ट कंडीशन रख देंगे, इसीलिए करते हैं, आप समझे हो। हाँ, भैंस गाय का भी ऐसे ही होता है, जैसे गांव भैंस गाय करते हैं लिक्विड से, बल्टा की तरफ लिया तो नहीं ना, बल्टे की तरफ लिया तो उसी में नाइट्रोजन रहता है, उसी में स्पर्म डाले रहते हैं। ये भी ऐसा है कि हमारे गाय को सीमेंट चढ़ाना है, फ़ोन कर दिए सीमेंट चढ़ाना है, लेकिन गाड़ी उड़ी पहुँच गया, दे 200 रुपये 150, तुम तो सीमेंट चढ़ा के चला जाएगा। तो सीमेंट कौन रहता है, स्पर्म, यही लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व रहता है और कई साल तक वायबल रहता है। चलो बहरहाल छोड़ो, अगला है आपको जो पढ़ना,
अब आपको जो पढ़ना है एक बात और एक यही देख लीजिए, जो पढ़ना है उसको देखिए। एक है, पहला है, पहला देखिए, नहीं पहला अर्थ, पहला है अर्थ समिट, पहला है दूसरा क्या है? हाँ ठीक, अर्थ समिट, इन 1992 अर्थ समिट हेल्ड इन कहाँ पे? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। फार किसके लिए? कंजर्व, याद रखिएगा ये टर्म, फार कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात ना करो जी, कौन मार रहा है, के मार रहा हो, किसको? प्रदीप तो नहीं मार सकता, उसके पास इतना फुर्सत नहीं को मारेगा किसी को, जो अपने काम में बिजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो विनाश ना करे, ऐसा डेवलपमेंट। विकास, एक सेटू ना, भले देखे लेकिन बुक में आप पढ़ लीजिए, वही रहेगा, समझ रहे हैं ना, एक सेटू कंजर्वेशन रहेगा। दूसरा है, वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट इधर देखिए, 1992 में अर्थ समिट हेल्ड किया गया था कहाँ पे? रियो डी जेनेरो, फार कंजर्वेशन।